नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह, स्पेशल एजुकेटर पटियाला स्कूल फॉर दी ब्लाइंड से। दोस्तों, हम देखते हैं कि बच्चे बातें करते हैं कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये सब होता क्या है और ये अपनी परिक्रमा कैसे करते हैं, इनकी पोजीशंस क्या हैं, ये कैसे होते हैं। तो आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं और बच्चों की इस समस्या का समाधान के लिए हमने एक मॉडल प्रस्तुत किया है जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम या सौर परिवार। ये इसका एक मॉडल है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें ये सूर्य है, सूर्य से जिस तरह से हमारे ग्रह दूर होते जाते हैं उसी सीक्वेंस में ये ग्रह स्थिति बताई गई है। यह इनकी कक्षा होती है जिसमें प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाया करते हैं। इस प्रकार से हमने ब्लाइंड बच्चों के लिए ध्यान में रखते हुए बनाया है, ब्रेल में भी लिखा है और प्रिंट में, ताकि हमारे लो विजन बच्चे भी इसको देख सकें। तो कौन सा ग्रह सबसे दूर है, कौन सा ग्रह सबका सबसे पास, हम बताते हैं बच्चों को कि बुध सबसे पास का ग्रह है। तो ये भी बताते हैं कि वरुण सबसे दूर का ग्रह है। हमारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हमारी पृथ्वी की क्या पोजीशन है और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है जो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में निरंतर चक्कर लगाता रहता है। इस मॉडल के माध्यम से बच्चों में आ रही कंफ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं और इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। धन्यवाद। ब्रेक फ्री सॉल्यूशंस ब्रॉट टू यू बाय ईआई लैब्स एंड प्रोजेक्ट डिस्कवरी।